अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मैं भी, और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ हम शेयर करेंगे रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जो है खट्टी मीठी फ्रूट चाट। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल बाजारी स्टाइल के बनाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। खट्टी मीठी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें खट्टी मीठी सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप ऑरेंज जूस, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 2 टेबलस्पून चीनी और ब्लैक पेपर चाहिए होगी थोड़ी सी, और नमक का इस्तेमाल करेंगे। मसाले को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस सॉस को आप फ्रिज में बनाकर रख लें, और जब अपने फैमिली को फ्रूट चाट सर्व करनी हो तो ये सॉस आप उसके ऊपर उस टाइम पर डालिएगा, ताकि आपकी जो फ्रूट चाट है वो बिल्कुल फ्रेश लगे। तो आप इसको बनाकर फ्रिज में बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने ये खट्टी मीठी सॉस तैयार कर ली है, इसको साइड पर रख लेते हैं। आए फ्रूट्स की तरफ चलते हैं। फ्रूट्स में यहाँ पर देखें, 3 मेरे पास सेब हैं जिनके मैंने छिलके नहीं उतारे, आप चाहें तो इसको पिल बिल्कुल कर सकते हैं। और 3 केले हैं मेरे पास जिनको मैंने इस तरह गुलाई में काटा हुआ, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कप ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लैक ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे, और 1/2 कप मेरे पास अनार है, ये डालेंगे। मैं इन फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसके अंदर मैंगो भी डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पे आप जो फ्रूट इसमें ऐड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस तरह खड़ी चाट पसंद है तो आप इस तरह फैमिली को सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाट में एक लेस हो और एक बैंडिंग हो, तो आपने क्या करना है कि जो इसमें केले हमने डाले हैं उनको हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 आप केले जो हैं वो गोल गोल काट के डाल दें, और 1 केले को अच्छी तरह मैश करके वो अपनी फ्रूट चाट में ऐड कर लें। जो आपकी फ्रूट चाट है वो खट्टी मीठी लेसदार सी तैयार होगी। आप देख सकते हैं हमारी खट्टी मीठी फ्रूट चाट इस स्टेप पे बिल्कुल तैयार है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको टी टाइम पे या इफ्तार टाइम पे अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल को बढ़ाएं, बहुत हेल्दी होता है ये। और आखिरी में हम इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। और ये होममेड इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।